केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज भारत में सीएनजी से चलने वाला देश का पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया। यह ट्रैक्टर रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो एकाइल इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह किसानों को उनकी लागत घटाकर आय बढ़ाने में मदद करेगा। मंत्रालय ने यह बयान में कहा कि इस ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। इस ट्रैक्टर की मदद से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। अन्य किसी भी ईंधन के मुकाबले सीएनजी सस्ती पड़ती है, ऐसे में सीएनजी ट्रैक्टरों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रदूषण कंट्रोल करने में सीएनजी फायदेमंद होती है। सीएनजी ट्रैक्टर से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। डीजल इंजन की तुलना में सीएनजी इंजन 70% कम उत्सर्जन करता है। सीएनजी टैंक टाइट सील होते हैं, इसलिए रिफ्यूलिंग के वक्त विस्फोटक या आग लगने की गुंजाइश काफी कम रहती है। इसे नई तकनीक से कन्वर्ट किया गया है, इसलिए सीएनजी इंजन की लाइफ पारंपरिक ट्रैक्टरों से ज्यादा होगी। सीएनजी फिटेड ट्रैक्टर्स में लेड की मात्रा नहीं होती है, इसके चलते इंजन लंबे समय तक काम करेगा। डीजल की तुलना में सीएनजी ट्रैक्टरों का माइलेज भी अधिक होगा, इसलिए इसके इस्तेमाल से ईंधन पर किसानों के होने वाले खर्च कम होंगे। इसका मेंटेनेंस खर्च भी ईंधन वाले ट्रैक्टर के मुकाबले कम आएगा, इससे पैसों की बचत होगी। वर्तमान में पूरी दुनिया में 1.2 करोड़ वाहन प्राकृतिक गैस से चल रहे हैं और कई कंपनियां और नगर निगम हर दिन सीएनजी वाहनों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। भारत में यह ऐसा पहला ट्रैक्टर है जो सीएनजी युक्त होगा। सीएनजी ट्रैक्टर भी डीजल इंजन की तुलना में अधिक या बराबर पावर पैदा करता है। डीजल इंजन की तुलना में सीएनजी इंजन 70% कम उत्सर्जन करता है। डीजल की मौजूदा कीमत लगभग 80 रुपये प्रति लीटर पर किसानों को इस ट्रैक्टर की मदद से 50% तक की बचत होगी, क्योंकि सीएनजी की मौजूदा कीमत 42 रुपये प्रति किलोग्राम है। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।